क्योंकि मैं जो बता रहा था कि 1750 बार से करीबन महीने में 50 करोड़ रुपए की खंडनी वसूल करने का उसका योजना था, शायद इसीलिए मंदिर बंद होते हुए भी इस दारू के दुकान को चालू किया था क्या, ऐसे लोगों के मन में अभी आ जा रहा है कि उसका मंदिर बंद था, भगवान के यहाँ कोई नमस्कार करने के लिए नहीं जा रहे थे, लेकिन दारू पीने के लिए बियर बार में वाइन शॉप में चालू था उस टाइम। ये लोगों को अभी मालूम पड़ रहा है कि क्यों चालू था। सवाल तो बनता है और सवाल दोनों पहलुओं पर बनता है। एक सवाल तो ये बनता है कि सरकार ने शराबबंदी की थी और शराब को सबसे पहले चालू कर दिया तो क्या उसमें कोई बड़ा झोल था। फिर दूसरा सवाल ये भी बनता है कि आरोप लगाने वालों ने ये भी नहीं सोचा कि शराब सिर्फ बॉम्बे में ही नहीं बंद था, सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बंद था, शराब तो अन्य प्रदेशों में भी बंद था। पुलिस डिपार्टमेंट से ये खंडनी वसूल करने का जो सिलसिला चालू है उसका हम लोग बहुत निंदा करते हैं और उसके तहत महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर है उसको हम इस्तीफे की मांग करते हैं, उसके साथ साथ महाराष्ट्र के सीएम साहब ने भी इस्तीफे देना चाहिए, हमारी ऐसी मांग है। गुस्से के ढेर पर आरोपों के घेरे में अब फंसी है उद्धव सरकार, क्योंकि परमवीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी जिसमें हर महीने 100 करोड़ रुपए जमा करने का अनिल देशमुख ने टारगेट दिया और ये टारगेट को पूरा करने के लिए मंत्री जी ने बाजे से कहा और अब इस चिट्ठी ने पूरे देश में एक भूचाल सा लाकर खड़ा कर दिया। अब इस भूचाल में महाराष्ट्र की त्रिमूर्ति सरकार लपेटे में आ गई। अब विपक्षियों की बड़ी ललकार उभर कर सामने आने लगी। इसी क्रम में लगातार महाराष्ट्र के कोने कोने में इस्तीफे की मांग उठने लगी। इस मांग की चर्चा पालघर जिले के अंतर्गत आने वाले वसई विरार में भी देखने को मिला। अरे खंडनी सरकार मुर्दाबाद, खंडनी सरकार मुर्दाबाद, खंडनी सरकार गजब का खेल है। पुलिस ने आरोप लगाए सरकार पर और सरकार ने पुलिस से गुहार लगाई है कि मैं बेकसूर हूँ और पुलिस इसकी निष्पक्षता से जांच करे। कमाल है, इस कमाल में कमाल ही कमाल है। गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सरकारी रखवाले होते हैं और अब सरकारी रखवालों पर ही सरकारी वसूली की लूट का मामला सामने आया। आरोप लगा सरकार पर, आरोप लगाने वाला सरकारी, अब फरियाद करने वाला सरकार है और अब इस फरियाद की जांच करने वाला भी सरकार होगा। अब इस मामले को लेकर विपक्ष खामोश क्यों बैठे और विपक्ष ने सीधा सीधा निशाना साधना शुरू कर दिया। ये पत्र झूठा है, ऐसा किसी ने नहीं बताया। डीवी पत्र के बारे में खुलासा आया और ये भी डीवी पे खबर आई कि खुद सीपी उन्होंने पत्र ये लिखा है। ये पत्र सही, उसकी तो जांच करने के बाद ही उन्होंने बताया, उन्होंने खुद ने बताया है। तो ये पत्र के माध्यम से पुलिस डिपार्टमेंट से ये खंडनी वसूल करने का जो सिलसिला चालू है उसका हम लोग बहुत निंदा करते हैं और उसके तहत महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर है उसको हम इस्तीफे की मांग करते हैं, उसके साथ साथ महाराष्ट्र के सीएम साहब ने भी इस्तीफा देना चाहिए, हमारी ऐसी मांग है। तो आज जो ये प्रोटेस्ट हर जगह देखने को मिल रहा है भाजपा द्वारा, अगर जब तक उनका इस्तीफा नहीं माना जाता फिर इस तरह से देखने को मिलेगा या फिर आज एक दिन के लिए ये भाजपा द्वारा ये प्रोटेस्ट होगा? जब तक गृह मंत्री की, होम मिनिस्टर की कुर्सी खाली नहीं होता तब तक ऐसा प्रकार आंदोलन, ऐसा प्रकार धरना पूरे महाराष्ट्र में चालू रहेगा। इसे हमारे जो महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष है आदरणीय चंद्रकांत जी दादा पाटिल ने उन्होंने कहा है, उसी तहत पूरे महाराष्ट्र में तो ये धरना चालू होगा। इसी तहत वसई विरार ये शहर में भी किसी तरह के धरना चालू होगा। आपको मालूम है कल रात को भी हमने करीबन 9 बजे धरना का आंदोलन नाला पर में किया, वहाँ भी करीबन 200-300 लोग वहाँ भी थे और इसी तरह से लोगों के मन में बहुत निराशा है कि अगर महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर इसी तरह से बर्ताव करेंगे तो हमारे संरक्षण की हम इससे अपेक्षा करेंगे। इससे पूरी महाराष्ट्र की जनता बहुत दुखी है। कल का जो मुंबई में जो 1750 दारू के दुकान है, बियर बार है और
कोरोना कार्यकाल में उसको 450 करोड़ रुपए का जो छूट दिया था, ऐसा हमारे सुधीर बाबू गुरुद्वार ने प्रेस में बताया, तो क्यों दिया था उसका मालूम लोगों का अभी मालूम पड़ रहा है। जो टीवी पे जो बता रहा था कि 1750 बीयर बार से करीबन महीने में 50 करोड़ रुपए की खंडनी वसूल करने का उसका योजना था, चाहे इसीलिए मंदिर बंद होते हुए भी इस दारू के दुकान को चालू किया था क्या, ऐसे लोगों के मन में अभी आज आ रहा है कि उसका मंदिर बंद था, भगवान के यहाँ कोई नमस्कार करने के लिए नहीं जाते थे, लेकिन दारू पीने के लिए बियर बार में वाइन शॉप में चालू था उस टाइम। ये लोगों को अभी मालूम पड़ रहा है कि क्यों चालू थे। मुंबई पुलिस को सलाम।